कहा जाता है इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है छपरा से, जहां प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने आए प्रेमी की घर वालों ने शादी करा दी। दूल्हा बना प्रेमी शादी में दहेज की मांग करने लगा। दहेज लेना अपराध है जानते हुए भी कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, उसे बाइक कैश और बर्तन चाहिए। हालांकि बाद में लड़के को समझा बुझाकर शादी के लिए मना लिया गया। अगर आपको मामला बता दें तो मामला जो है परसा थाना क्षेत्र के बलीगांव पंचायत के भिखारी छपरा गांव का है, जहां ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़ा को एक साथ पकड़ लिया। लड़की के परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर दोनों की शादी करा दी। शादी का वीडियो जो है वो अब काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि मढौड़ा थाना क्षेत्र के भुलवा पूर्व निवासी भरत राम के बेटे कर्ण कुमार का परसा थाना क्षेत्र के भिखारी छपरा निवासी वकील राम की बेटी सोनी कुमारी से पिछले 4 सालों से अफेयर बताया जा रहा है। जहां देर रात वो सोनी से मिलने पहुंचा, लड़की के परिजन ने उसे पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। वहीं शादी के बाद प्रेमी युगल क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुने। अच्छा ना मान रहे, ठीक है चल जाएंगे तो क्या हो गया, डर थोड़ी ना रहे किसी से, डर नहीं हम। आपने प्रेमी युगल को सुना, जिनका कहना है कि पहले उनमें दोस्ती हुई फिर प्यार हो गया। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हो चुकी है, शादी की बात नहीं बनी। जिसके बाद जब प्रेमी लड़की से मिलने पहुंचा तो गांव वाले ने रंगे हाथ पकड़कर दोनों की शादी करा दी। हालांकि अचानक लड़का जो है दहेज की मांग करने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उसे समझाए जाने के बाद शादी के लिए तैयार कराया गया। वहीं लड़का का कहना है कि अब क्या कर सकते हैं, शादी तो हो गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।